हाँ जी प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स, और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है बच्चों। और आपके पास टाइम है सिर्फ एक सेकंड का। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? अब बच्चा जो है, जो सीबीएसई लेवल को अप्रोच करता है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेगा। और यदि बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट होगा तो वो कहेगा जी मैंने टेंथ में एक चीज सीखी थी, यदि तीन रूट्स ए बी सी हैं तो एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट्स, फिर प्रोडक्ट टेकन एट टू टाइम्स इंटू एक्स, और लास्ट में माइनस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फिर उसके बाद वो इसको इंटीग्रेट करेगा और उसके बाद लिमिट लगाएगा, और हो सकता है कि इस प्रोसेस में वो कहीं ना कहीं गलती कर जाए। और जो एग्जामिनर है आईआईटी में, वो इस क्वेश्चन को चाहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड से कम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व बच्चों? देखो बच्चों, यहाँ पर वन और थ्री क्या है बच्चों? फोर है। एक प्रॉपर्टी हमने की हुई है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और यहां पर ए टू बी ये भी इसी के इक्वल होता है ए प्लस बी माइनस एक्स। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं वो अप्रोच लगाता हूं तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? वन प्लस थ्री कितना होता है बच्चों? फोर। फोर माइनस एक्स माइनस वन, फोर माइनस एक्स माइनस टू, फोर माइनस एक्स माइनस थ्री। यहां तक बात आप लोगों को समझ आती है बच्चों? क्या किया मैंने बच्चों, यहां पर ये आ गया वन से थ्री, तो ये आ गया थ्री माइनस एक्स, ये आ गया आपका टू माइनस एक्स, और ये आ गया वन माइनस एक्स। इसमें और इसमें इतना फर्क है बच्चों, ये सारे कोएफिशिएंट एक्स के पॉजिटिव थे, और ये वन था, ये बच्चों वन माइनस एक्स है, और इधर भी क्या है टू माइनस एक्स, इधर भी क्या है थ्री माइनस एक्स। यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से इस टर्म से माइनस कॉमन ले लूँ, तो तीन माइनस कॉमन आएंगे। तो तीन माइनस को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस वन टू द पावर ओड होता है तो माइनस आता है। तो ये बच्चों मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री, और लिमिट है थ्री। तो ये आपका i आ गया, तो i इक्वल टू माइनस आई, तो इसको जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो टू आई इक्वल टू जीरो, तो इसका आंसर कितना हो गया i इक्वल टू जीरो पॉइंट टू इज इक्वल टू जीरो। सिंपली फटाफट इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने सिर्फ अप्रोच को देखना है, इसको कैसे सॉल्व करना है।